आल हाशमी साहब, चेयरमैन नैब कमेटियों में आने से इज्तनाब क्यों बरत रहे हैं? एहतसाब नहीं करवाना चाह रहे हैं? देखिए शाह साहब, जैसे अभी ताज भाई ने कहा, शान पाकिस्तान का है, शान पार्लियामेंट की है, शान आइन की है, किसी चेयरमैन नैब शैब की नहीं है, इवन किसी जज की भी शान नहीं है। शान तो इस मुल्क का है, शान इस मुल्क के आवाम का है जिन्होंने उनको इम्पावर्ड किया है, शान उस जमहूरियत का है, उस कानून का है जिन्होंने उनको ताकत दी है। फर्द का शान नहीं होता है, शान इज्तमाही होती है। वरना ऐसे बहुत सारे चेयरमैन घूम रहे होते हैं गलियों में, मोहल्लों में, जो अच्छे लोग होते हैं, जर्ब वाले होते हैं, अवाम को जवाब दे होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, किरदार वाले होते हैं। बद किरदार जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि हम शान वाले, हम पे उंगलियां ना उठाओ, मगर असली शान वाले जो होते हैं वो कहते हैं उठाओ हम पे उंगलियां, ताकि मिसाल बने, बुलाओ हमें, हमें जवाब। अपने देखा नहीं हजरत अली करमल्ला वजह नो की शान, उनसे बड़ा शान वाला है ये चेयरमैन नैब। उनको बुलाती अदालत, जाते हैं, पेश होते हैं, ये होती है शान लोगों की, फर्द की। चेयरमैन नैब अपनी जो नैब ने रिकवरीज की हैं उनका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, और वैसे वो एहतसाब का इदारा है। नहीं चेयर, ये इन इन देखिए ना, पाकिस्तान के लिए जो बदतरीन लोगों में शान शुमार किया जाएगा उसमें इस, अब मैं मेरे मुंह से वो जो उनके करतूत है उसकी भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, ले लूंगा। मैंने ये एक बदकिरदार टाइप, पाकिस्तान का अलमिया यह है, जहां पे आमिर बड़े जालिम गुजरे इस मुल्क में, जहां पे आमिरियत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वहां पे इन जैसे जजेस ने, जिनसे चौधरी मुनीर से शुरू हो जाए, साकिब निसार से शुरू हो जाए, आसिफ सईद खोसा से शुरू हो जाए, इस जावेद इकबाल तक आके खत्म नहीं होता है। मैं खुदा रहा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये किसी के बाप का नहीं मुल्क है, ये 22 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है। हमारे लोगों को जिंदा रहने दें, आने वाले नस्लों को शान से जीने दें, कोई फर्ज से पाकिस्तान आज तारीख में देखें उन जजों को क्या मुकाम मिलता है। बिल्कुल सही, और तारीख में देखें क्या मुकाम मिलता है जिन्होंने काम की, जस्टिस रशीद का लूंगा, बड़े बड़े अच्छे जजेस इसमें।